हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रियान, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम जब भी लैपटॉप कंप्यूटर जो भी यूज़ करते हैं, हम लैपटॉप लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, जो भी यूज़ करते हैं, हमें सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर बहुत चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हमें चाहिए होता है, हम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम नाम टाइप कर देते हैं और जो भी लिंक आता है वहाँ पे क्लिक करते हैं और हम वेबसाइट टू वेबसाइट हम घूमते रहते हैं। हमें डाउनलोड लिंक कभी मिलता नहीं है। तो ऐसे में क्या करें दोस्तों, जब ज़रूरत होता है कुछ सॉफ्टवेयर का तो हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसको। सिंपली उसको ही हम डाउनलोड जिसे हम डाउनलोड करना चाहते हैं सिर्फ उसे ही सर्च करेंगे और उसे ही डाउनलोड कर लेंगे सिर्फ एक ही क्लिक में। तो दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है। आप लोगों को जो भी सॉफ्टवेयर सर्च करना है, यहाँ पे गूगल पे सर्च करने से हमें बहुत सारे वेबसाइट हमें घूमना पड़ता है, डाउनलोड लिंक हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग सिंपली क्या करेंगे, गूगल पे चले जाइए। गूगल पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे SOURCE सोर्स, FORGE सोर्स फोर्स। तो यहाँ पे सोर्स फोर्स जब आप लोग लिख देंगे तो एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिंक खुल के आ जाएगा। जो पहला लिंक है यहाँ पे आप लोगों को कर देना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो आप लोगों को जो भी वेबसाइट जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए यहाँ से आप सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरी है, अकाउंटिंग है, CRM है, IT मैनेजमेंट, बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर आप लोगों को मिल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों को मान लीजिए कि मैं कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा हूँ, तो मैं चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ VLC प्लेयर, तो मैं सिंपल यहाँ पे VLC लिख के एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं साइड में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स, मैक, यहाँ पे मोर है। मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी खुल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए, जिसके लिए चाहिए आप उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों सॉफ्टवेयर का कैटेगरी दिया हुआ है मल्टीमीडिया सिस्टम, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, गेम एंटरटेनमेंट, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑफिस बिजनेस, मोबाइल, जिसके लिए भी आपको चाहिए यहाँ पे आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे VLC प्लेयर खुल के आ गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी प्रोजेक्ट, तो इसको इस पर क्लिक करना है आप लोगों को। और क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे सिंपली खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपली आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो VLC प्लेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक कर दिया है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग शॉर्टली दिखा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा अभी मेरा डाउनलोड ऑप्शन शुरू। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप लोग, मेरा डाउनलोड शुरू हो चुका है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग ये इस वेबसाइट से किसी भी सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भी और भी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं आप लोगों को सिंपली बता दूंगा। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो हमें मतलब क्रैक करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैसे क्रैक करते हैं सॉफ्टवेयर को, मैं वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं बता सकता। तो इसके लिए आप अगर जानना है तो आप मेरे नीचे दिए गए फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कहाँ से कैसे इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं और कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता सकता। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, आप लोग यहाँ पे गूगल पे आ जाइए। सिंपली कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपको अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर गूगल पे आ जाइए। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है FILEPUMA। FILEPUMA लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कर देना है एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग FILEPUMA.com खुल के आ गया है। तो यहाँ पे पहला जो लिंक है इस पर आपको कर देना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का वेबसाइट खुल के आ गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है। Vivaldi, यह ये एक ब्राउज़र है
32 बिट, 64 बिट, जिस भी बिट को आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। मालवेयर हंटर, अवास्ट, फ्री एंटीवायरस, यहाँ पे आप लोगों को सब सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, PDF क्रिएटर, विनरेयर 32 बिट, 64 बिट, 7 जिप, विनरेयर 32 बिट, यहाँ पे सब आप लोगों को मिल जाएगा। VLC प्लेयर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉटिफाई, यहाँ पे देख सकते हैं आईट्यून्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और अगर आप लोगों को कुछ और भी सॉफ्टवेयर चाहिए, यहाँ पे साइड में आप लोगों को कैटेगरी दिया हुआ है, सिक्योरिटी एंड फायरवेल्स, ब्राउजर एंड प्लगइन्स, कम्युनिकेशन, डेवलपर टूल्स, इंटरनेट एंड नेटवर्क, ग्राफिक्स डिज़ाइन, यूटिलिटी, कंप्रेशन एंड बैकअप। यहाँ से क्लिक करके भी आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऊपर में कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे सिंपली आप सर्च कर दीजिए। मैं VLC सर्च कर देता हूँ, सॉरी VLC। तो VLC सर्च करने के बाद आप लोग यहाँ पे ऊपर में खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, VLC का 32 बिट और 64 बिट दोनों आ गया है। आपको जिस भी बिट का चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोग दोस्तों फ्री में सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए आपको फ्री में ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा साइट है जहाँ से आप फ्री में सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड का जो लिंक है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। जो मैंने बताया अभी तक वहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिलेगा। सभी वेबसाइट ट्रस्टेड हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिख देना है फाइल हिप्पो, फाइल हिप्पो, तो कर देना है एंटर। तो पहला जो लिंक है फाइल हिप्पो डॉट कॉम, इसको आपको कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसका इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिया हुआ है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे डाउनलोड दिख जाएगा, यहाँ पे वेब ऐप्स दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके भी आप वेब सारे सॉफ्टवेयर को ढूंढ सकते हैं। और अगर आप लोगों को पर्टिकुलर किसी एक सॉफ्टवेयर को ढूंढना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप सर्च कर दीजिए। मैं VLC सर्च कर देता हूँ, यहाँ पे VLC मैंने सर्च कर दिया है। तो यहाँ पे VLC का जो भी प्लेयर है यहाँ पे 32 बिट और 64 बिट दोनों खुल के आ गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी चाहिए, आप 64 बिट चाहिए, 32 बिट चाहिए, जो चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपेरा भी है, आप चाहे तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं यहाँ पे, गॉम प्लेयर है, विनम भी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 64 बिट चाहिए तो यहाँ पे 64 बिट पे कर दीजिए क्लिक, आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको यहाँ से गूगल पे सर्च कर लीजिए, MAGOR, मेजर, GEEKS, मेजर गिक्स, इसको कर दीजिए एंटर। मेजर गिक्स यहाँ पे खुल के आ गया है, पहला जो लिंक है इसको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपका जो वेबसाइट का इंटरफेस है ऐसा आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे। तो इस यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर ढूंढना है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का, तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे VLC सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पे सर्च पे कर देता हूँ क्लिक। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं VLC का जो प्लेयर है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला VLC मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप लोग करेंगे क्लिक तो आप लोगों का जो भी सॉफ्टवेयर है, मेरा जो अभी VLC का ये जो प्लेयर है ये डाउनलोड हो जाएगा। और जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, बैकअप, CD DVD कन्वर्ट, ड्राइवर यूटिलिटीज, ड्राइवर्स, गेम्स, ग्राफिक्स, इंटरनेट टूल्स, मल्टीमीडिया, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग सिस्टम टूल्स, यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है। वेब डेवलपमेंट बहुत सारे कुछ दिया हुआ है। आप लोग इस साइट को विजिट करके यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सॉफ्टवेयर आपका काम का है। जो भी का आप लोग आपका काम का सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है आप लोगों को सिंपली गूगल पे लिख देना है सी नेट, सिंपल लिख देना है सी नेट, लिख के एंटर कर देना है। और एंटर करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे खुल के आ जाएगा गूगल पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे नीचे दिख रहा है आपको सीनेट डाउनलोड, तो यहाँ पे कर देने का आप लोगों को क्लिक। यहाँ पे जब आप लोग कर देंगे क्लिक तो आप लोगों का जो वेबसाइट है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे वेबसाइट खुल के आ गया है। तो आपको पर्टिकुलर कोई आप सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्च करके। तो फिलहाल मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है,
डाउनलोड में अगर आप लोग जाएंगे यहाँ पे विंडोज़ iOS एंड्रॉयड मैक सभी के लिए आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे पॉपुलर ऐप पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पॉपुलर ऐप यहाँ पे देख सकते हैं, पॉपुलर ऐप सीजी क्लीटर, यहाँ पे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, यहाँ पे न्यूज़ भी है सीनेट। और यहाँ पे अगर आप लोग सर्च कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को, मान लीजिए मैं यहाँ पे VLC प्लेयर लिख देता हूँ, VLC प्लेयर लिख के मैं एंटर कर देता हूँ, एंटर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंपली रिजल्ट दिख जाएगा। यहाँ पे VLC फॉर एंड्रॉयड, यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए है, और नीचे में देखिए आप लोगों को और भी मिल जाएगा 64 बिट, 32 बिट, यहाँ पे साइड में देख सकते हैं आप लोग फ्री में लिखा हुआ है, इसको आप फ्री में ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म आपको विंडोज़ चाहिए, मैक चाहिए, iOS एंड्रॉयड जो भी चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते, कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप लोग सॉफ्टवेयर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे लगता है वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।